कोई भी नाम लेते हैं, मैं आपको एक नाम लेके बताता हूँ न्यूमरोलॉजी की खूबसूरती क्या है। ये क्या लफ्ज लिखा है मैंने, सबको पता होगा, नोकिया 1 2 3 4 5। नेम इंग्लिश में बैलेंस कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कोशिश की जाए 1 3 5 7 9। इंग्लिश नेम चाहे आपके खुद के हों, इस इंस्टीट्यूट कॉलेज या जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे, जिस लड़के से आप शादी करना चाह रहे हो, और प्यार का तो मैं कहूँ नहीं, प्यार तो वैसे ही एक धोखा है, लेकिन ये 1 3 5 7 और 9 ये डिजिट आपका होना चाहिए नेम में। तो आपके घर के हालात अच्छे हों या बुरे हों, आप इट सेल्फ पर्सनली हिम सेल्फ या हर सेल्फ आप चल तो सकें खुद से जिंदगी में, ब्लेसिंग्स तो रहें आपके साथ। और अगर ये वाला पोर्शन आपका होता है नेम का, तो आपको सारी जिंदगी हेल्प और मदद की, सपोर्ट की जरूरत रहती है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कुछ भी हो, ये वाला पोर्शन होता है, तो ये वाला बहुत ब्लेसिंग है। अब मैंने नोकिया का नाम क्यों लिखा, नाम बैलेंस कैसे हो, मुख्तसर वक्त में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो लर्निंग ऑफ न्यूमरोलॉजी। NOKIA कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब वो मैंने यहाँ आपको वो बनाई थी डिटेल एक्सरसाइज की, बनाई थी कि ए बराबर और ओ बराबर और ये ए एन बराबर है 5 और ओ बराबर है 6, के बराबर 2, आई बराबर 9 और ए बराबर 1। 5 और 6 11 12 13 और 10 23। अब देखें आउटस्टैंडिंग ब्लेसिंग किसी नेम की, अल्फाबेट 5, टोटल डिजिट 5, 23, 2 + 3 = 5। अब आ जाए इसी को यहां पर नोकिया, नून वाओ काफ, ये है आसानी से समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये एक अल्फाबेट, दूसरा हरूफ जिसको बोलते हैं, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। नून बराबर है 5 के, 5 के, वाओ बराबर है 6 के, अभी उर्दू है, और काफ बराबर है 2 के, ये बराबर है 1 के, और हे बराबर है 5 के। टोटल ये कर लें 5 और 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए इधर, अच्छा अब जैसे ये 5 नंबर है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 हो गए अल्फाबेट 1 2 3 4 5। ऐसे आपके नाम अदद नंबर में इस तरह करके कोशिश की जाए कि वो टोटल डिजिट या अल्फाबेट्स कम से कम ये वाले सीरियल के बनने चाहिए, खास तौर पर गर्ल्स के, क्योंकि गर्ल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी होती है दूसरे घरों में जाती है, एटमॉस्फेयर अपना नहीं होता, वो पूरा एक दूसरा ग्राउंड होता है, दूसरा मीडियम होता है कुदरती तौर पर ना, मतलब नेचुरली तौर पर जो चीज देखने वाली है वो ये है कि पर्सनली आप कहीं भी हो खुद से सर्वाइव कर सके। घर का घर आबाद होना आबाद ना होना, बिहेवियर कैरेक्टर, हर किसी का एटमॉस्फेयर, हर किसी के मसाइल, हर किसी की प्रॉब्लम, हर किसी की खुशियाँ, हर किसी की सलामती, हर किसी की ऊंची नीच, बिल्कुल डिफरेंट ग्राउंड होता है। हम सुपरफिशियली बात कर रहे हैं कि आपके नाम अदद नंबर और अल्फाबेट्स कम अज कम ताक नंबर होने चाहिए 1 3 5 7 और 9। ये नुकता जहन में रखिएगा तो ज्यादा आसानी हो सकती है, और खास तौर पर आप फीमेल हैं, क्योंकि हम आप फीमेल जा रहे दूसरे घर में जाती हैं, दूसरा एटमॉस्फेयर होता है, वो एटमॉस्फेयर उनके फेवर का नहीं होता, यानी जहां वो बड़ी बड़ी होती हैं उससे अपोजिट जगह होती है। तो ये वाले जो डिजिट है अल्फाबेट्स हैं, ये हर हालत में फलने फूलने वाले हैं और ब्लेसिंग्स रहती हैं, जरखेजी रहती है, हरियाली रहती है इन डिजिट्स में। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे, ये कौन सा डिजिट था, ये कौन सा डिजिट था और ये कौन सा डिजिट था, हम अभी क्या बात कर रहे थे, ये तीनों रूहानी हरूफ थे, पहला तीसरा और नवा, और ये दोनों जहन के, मतलब कैरेक्टर के हवाले से भी आप सिक्योर और सही रहते हैं, यानी दूसरा जीवन साथी आपके साथ सही रहे या सही ना रहे, ये एक हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी का ग्राउंड और एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो ये कोशिश की जाए कि इंग्लिश नेम में अल्फाबेट्स खास तौर पर आपके ताक नंबर होने चाहिए, ताक नंबर क्या होता है 1 3 5 7 और 9, कोशिश की जाए।
और किसी को अंडर, मैं नोकिया से मुतासर नहीं हूँ, ना कोई नोकिया कोई मुझे पसंद है ना कि मेरा उनसे कोई लेना देना, यानी आसान तरीन तरीका बताया है कि नाम अदद नंबर इंग्लिश और उर्दू के हरूफ इस तरह बैलेंस अगर हो जाए तो